वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है जो अभी अभी दिल्ली से आई है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली सेवा बिल को लेकर है, जिसमें ये कहा गया था कि राघव चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी सिग्नेचर किए थे। ये मामला वही है जिसकी रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी को भेजी गई थी। दरअसल प्रिविलेज कमेटी अभी मामले की पूरी जांच कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा, जो कि गलत है। दरअसल राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह है, उनके ऊपर भी ये लगा कि जब उनको निलंबित कर दिया गया था तो राज्यसभा स्पीकर ने भी बोला था कि आप सदन में मत आकर बैठिए, लेकिन संजय सिंह लगातार सदन में बैठे रहे, सदन की गरिमा को उन्होंने भंग किया। तो स्पीकर ने साफ कहा कि जब तक आपका निलंबन है आप यहां नहीं बैठ सकते, लेकिन संजय सिंह बिल्कुल नहीं माने। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, वो बिल्कुल नहीं माने और वो बैठे रहे सदन में। इसीलिए जब तक जांच पूरी नहीं होती तो संजय सिंह पर भी जो निलंबन है उसको बढ़ा दिया गया है। वही राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा ने दिल्ली बिल पर जो था, दिल्ली सेवा बिल, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा था, जिस पर ये दावा किया जा रहा था कि जो 5 सांसदों के सिग्नेचर है, जिनमें से 3 बीजेपी के नेता थे, एक साउथ के नेता है, उनके सिग्नेचर है जो फर्जी है। दरअसल इसी पर अभी जांच चल रही थी और पूरे तरीके से बोला गया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती आप इस मामले में अपना पक्ष नहीं रख सकते। लेकिन बावजूद इसके राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पूरा मामला मीडिया के सामने रखा और आपको पाक साफ बताया। इसी मामले को लेकर अब राज्यसभा से उनका निलंबन कर दिया गया है। The gravity of his misdemeanor, violation of rules, defined attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking rule 266, read with rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the council, till the council has the benefit of the report of the by the committee of privileges. VK News, Rashtra Ke Naam.